हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था, उस लास्ट टॉपिक में हमने ये सीखा था कि जो एक रिंग मास होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अपने पास कोई एक रिंग है, लेट अस सपोज, और इस रिंग मास से, ये जो रिंग है, इस रिंग मास से कुछ डिस्टेंस दूर, ये कुछ डिस्टेंस दूर हमने पॉइंट लिया था, और उस पॉइंट पर हम लोग इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख रहे थे। वो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जो हमने फाइंड आउट किया था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन उसका ग्राफ छूट गया था। आज मैं उस ग्राफ को आपको समझाता हूँ, बहुत दो मिनट का टॉपिक है, छोटा सा, उसको सीखते हैं पहले। तो बच्चों, हमने जो इंटेंसिटी ऑफ रिंग पढ़ा था, उसका फॉर्मूला हमने लास्ट ही लेक्चर में ड्राइव किया था, जी एम एक्स डिवाइडेड बाय एक्स आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर द पावर 3/2। सेंटर पर जीरो हो गया था, वो केस हमने स्टडी कर लिया था। बस अपने पास अब ये बचता है कि हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो उसके लिए हमने मैक्सिमम मिनिमा भी फाइंड आउट किया था। तो जो मैक्सिमम फाइंड आउट किया था, वो मैक्सिमम में अपनी एक्स की वैल्यू आ रही थी, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू, प्लस माइनस आर बाय रूट टू। ये जो वैल्यू आई थी, इस वैल्यू के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा किस तरह का डिस्कशन है और क्या खेल है, उसको खेलते हैं। मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। ये अपना ऐसा कुछ केस था जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा सपोज किया हुआ था, डिस्टेंस एक्स था, इसका रेडियस आर हुआ करता था, इस आर रेडियस से यहाँ पर हमने वो डी आई डी एल माने हुए थे, जो भी था। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू ये आर के साथ, इंटेंसिटी के साथ, बेसिकली डायरेक्टली रिलेशन में है, इनवर्स रिलेशन में। तो हमने उसको चेक किया, तो पता लगा कि यहाँ तक तो वैल्यू वो इंक्रीज़ होती है, यहाँ तक क्या हो जाती है वो इंक्रीज, एंड आफ्टर इट, आफ्टर इट डिक्रीज़, इसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक जो उसमें इंक्रीमेंट आया या उसके बाद जो डिक्रीमेंट आया, उसका एक ग्राफ होता है इंटेंसिटी, उस ग्राफ को कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी और डिस्टेंस ग्राफ। यानी कि ये जो आर बाय रूट टू डिस्टेंस है, इन केस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन, और मैं यहाँ पे इसको सपोज कर देता हूँ, ये अपना आर बाय रूट टू जो डिस्टेंस है नेगेटिव के लिए। सबसे पहले हमें मालूम था कि तब हम इसको x को जीरो बिल्कुल यहाँ पर रिंग के सेंटर पे फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं सेंटर बोल रहा हूँ, सेंटर पे ये x बहुत कम होते 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 यहाँ पे जीरो हो जाता है। x जीरो हो जाने पर इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। तो ये अपना इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ था। तो इस इंटेंसिटी और डिस्टेंस के ग्राफ में इंटेंसिटी जीरो है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। अब यहाँ से हम इधर चलेंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ऐसे इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, होता 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 यहाँ तक वो इंक्रीज होता है, तब वो यहाँ तक फुल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर डिक्रीमेंट स्टार्ट होते हैं, और फिर वो कहीं इन्फिनिटी पर जाके क्या होता है, ज़ीरो होता होगा। सिमिलर केस बिल्कुल ऐसा इस तरफ भी होता है, ये इस पॉइंट तक पूरा आपका इंक्रीमेंट होता है, और फिर उसके बाद डिक्रीमेंट होते 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 ये इधर ज़ीरो हो जाता है, ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी। ऑलराइट, ठीक, छोटा सा ग्राफ छूट रहा था अपना, वो हमने क्लियर कर लिया। क्योंकि r बाय रूट टू तक क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है, जीरो से r बाय रूट टू डिस्टेंस तक इंक्रीज़ होगी। माइनस में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि रिंग के दोनों तरफ हम एज्यूम कर सकते हैं, जो हमने रिंग एज्यूम की थी उसके दोनों तरफ हमने पॉइंट P माने हुए थे, उस पॉइंट P में ये अपना पॉजिटिव वाला हो गया और ये अपना नेगेटिव वाला हो गया। तो ये अपना जो छोटा सा टॉपिक छूटता था, इसका कौन सा ग्राफ वाला, ग्राफ बिटवीन क्या, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, ग्राफ बिटवीन between intensity and distance, ये वाला टॉपिक अपना था जो छूट गया था और उसको हमने ख़त्म किया। चलिए, अब आज का जो अपना टॉपिक है वो और भी थोड़ा ख़ास है, और उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह की बातें करने वाले हैं। क्या बातें करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। चर्चा ये है अपना कि आज का जो टॉपिक है वो है, इफ़ द रिंग इज़ नॉट कम्प्लीट, वो तो ये कम्प्लीट रिंग था, एक कम्प्लीट रिंग के लिए हमने स्टडी कर लिया था, इफ रिंग इज़ नॉट कम्प्लीट, इफ रिंग इज नॉट कम्प्लीट, अगर रिंग कम्प्लीट नहीं है तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क मास, ऐसा भी हम इसे कह सकते हैं, रिंग कम्प्लीट नहीं है या और इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क मास, कोई छोटा सा आर्क है उसका मास दिया हुआ है, उसका मास दिए होने के बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी उस छोटे से आर्क मास की। जैसे
ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला वो आर्क है। फिर से इसको क्लियरली डायग्राम समझ आएगा तो फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये जो भी अपना टॉपिक है वो, यहाँ से यहाँ तक का जो हमने आर्क लिया है उस आर्क को हमने ये समझा है कि वो किसी बीटा एंगल, किस एंगल पर, वो किसी भी बीटा एंगल पर है, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच। ये जो पूरा एंगल है ये अपना कौन सा एंगल है, बीटा। ये जो पूरा एंगल है वो बीटा एंगल है, और इस जो कंप्लीट नहीं अपना जो ये हाफ आर्क है, छोटा सा आर्क है, इसका मास दिया हुआ है आपको कैपिटल एम। ऑलराइट, ये जो कैपिटल एम मास की आर्क है, इस कैपिटल एम मास की आर्क से इस पॉइंट पी पर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर हमने फिर से अपना वही इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है। वो इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें स्मॉल मास चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ पर हमें स्मॉल मास, पॉइंट मास के लिए हम लोग डिसीजन करते हैं। तो हमने क्या किया, इस छोटे से मास के टुकड़े कर लिए, क्या कर लिए, छोटे से मास के टुकड़े कर लिए। ये पूरा जो मास था उसका छोटा सा टुकड़ा हमने डी एम लिया, बेसिकली डी एल लेंथ का एक टुकड़ा लिया, और उसका मास कितना है डी एम। फिर से ये जो हमने छोटा सा हमने एक टुकड़ा लिया है डीएम मास का, ये इसकी जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो बाइसेक्टर लाइन है इस एंगल को दो टुकड़ों में बांट रही है, उसके साथ ये थीटा एंगल बनाता है। ये अगर थीटा एंगल बनाता है तो इस छोटे से जो डीएल हमने लेंथ लिया है, इसको अगर मैं यहाँ पे मीट आउट कराता हूँ तो ये छोटा सा जो एंगल बनता है ये अपना एंगल बनता है डी थीटा। ये अपना एंगल क्या बनता है, डी थीटा। फिर से ये एंगल बाइसेक्टर हमने लगाया, कोई भी जो बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, इस लाइन से थीटा एंगल दूर हमने क्या किया, एक स्मॉल मास डीएम माना, उस स्मॉल मास डीएम की जो लेंथ है वो यहाँ पे हमने मीट आउट की। ये जो एंगल थीटा था इसका छोटा एंगल कितना हो गया, डी थीटा हो गया, इसका छोटा एंगल आपका डी थीटा हो जाता है। तो अब हम यहाँ से फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली सेम केस हमने बिल्कुल ऐसे कैसा सिमेट्री के अकॉर्डिंग इधर भी किया हुआ है। अब इससे हम लोग अगर आई नेट फाइंड आउट करना चाहें तो अपना आई नेट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, आई नेट इंटेंसिटी नेट इस आर्क के द्वारा कितना होगा। हमने देखा कि अगर इस छोटे से मास डीएम की वजह से इस तरफ की इंटेंसिटी डीआई है, इस तरफ की इंटेंसिटी अगर डीआई है तो यहां पर इस छोटे से मास डीएम की वजह से डीआई इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। दो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे, तो आंसर है ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा आपका डीआई कॉस थीटा, और इस तरफ ये वाला कंपोनेंट बनेगा आपका डीआई साइन थीटा। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही इसके लिए भी होगा, इसकी इंटेंसिटी भी डीआई है, उस डीआई के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक डीआई कॉस थीटा और दूसरा होगा आपका डीआई साइन थीटा। डीआई साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। फिर से बताता हूँ, इस डीआई के दोनों कंपोनेंट में से साइन साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए और कॉस वाले हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिए, तो टोटल कितना आया अपनी इंटेंसिटी, तो वो आती है इंटीग्रेशन, जोड़ना है हमें उसे पूरे को, टू डीआई कॉस थीटा, 2DI cos theta। अब बस सिंपल वही इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमें यूज़ करना है जो हम करते आ रहे थे, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2DI की वैल्यू क्या होगी, Z स्मॉल मास, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता है का क्या होता है ZM, और M कौन सा है स्मॉल, स्मॉल कितना मास अपना DM by R square। ये जो डिस्टेंस हमने ली हुई है यहाँ की कितनी है, वो कोई भी डिस्टेंस R है, कोई भी डिस्टेंस R है, R बेसिकली रेडियस ऑफ दिस, तो ये R डिस्टेंस पर था पॉइंट, तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, ओहो R square डॉट कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर आ गया, z बाहर आ जाता है, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर बाहर आ जाता है, ये जो r है ये आर स्क्वायर बाहर आ जाता है, अंदर अपने पास जो क्वांटिटी बचती है वो बचती है कॉस थीटा dm। फिर दोबारा से हम वही प्रोसीजर अपना रहे हैं जिसके जैसे लास्ट हमने जो डेरिवेशंस की हैं उन डेरिवेशन में जो अपनाया था, अब यहाँ पर ये अपने पास इंटीग्रेशन के लिए बचा कॉस थीटा डीएम, कॉस थीटा डीएम, लेकिन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि ये जो डीएम के रिस्पेक्ट में थीटा ये तो फिर से एक क्या आ गया, नलायक फंक्शन है। ये जो नलायक फंक्शन है, नलायक फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें लायक बनाना है, किसके लायक, फिर से इंटीग्रेशन के लायक। अब इसको इंटीग्रेशन के लायक बनाने के लिए हम किसको चेंज करते हैं, आंसर हम डीएम को अगर थीटा की टर्म्स में ले आए तो इट्स वेल एंड गुड, अगर हम इसको थीटा के टर्म्स में ले आते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लायक फंक्शन बना सकते हैं। अब इसको लायक फंक्शन बनाने के लिए किस तरह की कहानी की जाएगी, तो इस डीएम को चेंज किया जाएगा। अब इस डीएम को चेंज करना हो तो ये डीएम कैसे चेंज होगा, इस बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। भाई ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये जो रिंग है यहाँ पर, ये जो रिंग है, इस रिंग का, फिर से इस रिंग का जो टोटल मास है वो कितना है,
m है. अगर इस रिंग का मास m है तो ये कितने एंगल पर फैली हुई है? आंसर है बीटा पर. तो बीटा एंगल होने पर मास का रिंग कितना है, रिंग का मास कितना है, m. अगर एक होता तो m बाय बीटा. क्लियर है ना? अगर ये एंगल बीटा है तो ये इतना मास है. अगर ये छोटा होता, वन होता, तो कितना होता, m बाय बीटा. लेकिन ये है कितना, तो आंसर है ये तो डी थीटा है. डी थीटा है तो कितना हो जाएगा, m बाय बीटा इंटू डी थीटा. m बाय बीटा इंटू डी थीटा. अगर ये m बाय बीटा इंटू डी थीटा है तो ये डी थीटा के पास कितना मास है, छोटा सा, तो आंसर है डी एम. तो ये किसके बराबर हो गया, पूरा क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी डी एम के बराबर आ जाती है. किसके बराबर आ जाती है, डी एम के बराबर आ जाती है. तो मैं यहाँ पे डी एम को रिप्लेस कर सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2g बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा. डी एम की जगह पे हमें वो वैल्यू पुट करनी है, m बाय बीटा इंटू डी थीटा. हम इसके लिमिट का जुगाड़ और कर लेते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है. मान लीजिए ये जो डी एम या डी एल पार्ट था ये बिल्कुल इसके बाइसेक्टर लाइन के पास होता, ये वाला जो पार्ट इसका पूरा इस बाइसेक्टर लाइन के पास होता, तो क्या होता, बाइसेक्टर लाइन से यहाँ से ये एंगल थीटा कितना होता, जीरो, और थीटा जीरो से टिंग 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 कितना बढ़ जाता, आंसर है बीटा बाई टू. क्योंकि ये पूरा एंगल क्या है, बीटा, और ये एंगल कितना है, बीटा बाई टू. तो ये जीरो से स्टार्ट होता और कहाँ तक जाता, बीटा बाई टू तक. ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है जीरो से और कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, बीटा बाय टू तक. तो लिमिट कहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे जीरो टू बीटा बाय टू. कितनी पुट करेंगे, जीरो टू बीटा बाय टू. अब यहाँ से जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उन कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को हम लोग बाहर ले लेते हैं. मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कैसे, टिंग टू जी बाय आर स्क्वायर. ओहो तू भी बाहर आएगा. बीटा भी कांस्टेंट है क्योंकि बीटा एंगल तो चेंज नहीं हो रहा. एम भी कांस्टेंट है क्या, इस एम की हम बात करें तो एम भी कांस्टेंट है, बिल्कुल हाँ एम भी कांस्टेंट है यार. एम भी बाहर आ गया, अरे बचेगा कौन अंदर, तो बोला कॉस थीटा बचता है अंदर. कॉस थीटा के साथ क्या भाई, डी थीटा. ओए ओए ये लायक फंक्शन हो गया है. अब ये जो लायक फंक्शन है, इस लायक फंक्शन की लिमिट क्या है, तो जीरो टू बीटा बाई टू, जीरो टू बीटा बाई टू. अब ये जीरो टू बीटा बाई टू अगर इसके हम लिमिट पुट करें तो इंटीग्रेट कर देते हैं यार, तो क्या 2gm बाय बीटा आर स्क्वायर. भाई बहुत ध्यान से समझना है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, आंसर है बोलो साइन, साइन थीटा. और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट रहेंगी, आंसर है वही अपना बीटा टू क्या, अरे बीटा नहीं, जीरो टू बीटा बाय टू. चलिए ये बात सही है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली सॉल्व हो गया, आंसर आ गया अपना. जल्दी से हमने क्या कर दिया, इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी, तो ये क्या हो गया 2gm बाय बीटा आर स्क्वायर साइन. अपर लिमिट क्या है अपनी, आंसर है अपर लिमिट ही अपनी बीटा बाय टू. थीटा क्या जाएगा, बीटा बाय टू. लोअर लिमिट जीरो, साइन जीरो जीरो, काम खत्म हो गया अपना. अब इस कंडीशन में अगर हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आई नेट. इसको ऐसा भी याद रखते हैं कुछ लोग, आई नेट इज इक्वल टू टू जी एम. इस टू को यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, देखिए इसको मैंने लिखा जी एम अपॉन आर स्क्वायर साइन बीटा बाय टू अपॉन ये बीटा, और इस टू को मैं नीचे ले आया तो क्या आ गया, ये बीटा बाय टू. दिस इज द इंटेंसिटी. लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, ये जो एंगल होना चाहिए मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए, नॉट इन डिग्री, डिग्री में नहीं होना चाहिए. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक जो आर्क लेते हैं, हम एक छोटा आर्क लेते हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क मास, या फिर इफ रिंग इज नॉट कंप्लीट उस मास से इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं हम किसी भी डिस्टेंस आर पर, दूर पॉइंट पी पर. दिस इज द डेरिवेशन.